चाय पत्ती खा जाओ। अभी कुछ घंटों पहले ही अजय देवगन की फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और वंस अगेन भाई साहब जैसा सोचा था ना, ये इन लोगों का ओरिजिनल कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस बार इन लोगों ने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से अपना मुंह काला करवाया है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? जी हाँ, 10 फरवरी 2023 के दिन वश नामक यह गुजराती फिल्म को रिलीज करा जाता है। और वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, पर यह फिल्म उस हिसाब की सुपरहिट नहीं हो पाती है जैसा इसे होना चाहिए था। 3 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया और यह फिल्म महज 5 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई। अब ऐसे में जब इन भांडों ने इस फिल्म को देखा तो इनकी भाई साहब बुद्धि पूरे तरीके से छितरा गई और इन लोगों ने फिर एक बार वही कर दिया जिसके लिए यह बॉलीवुड इंडस्ट्री आज की डेट में सारी दुनिया में बड़े बुरे तरीके से मशहूर हो चुकी है, बोले तो चोरियां करने में और अच्छी अच्छी फिल्म को झाड़ कर उनके रीमेक्स बनाने में। अजय देवगन और उसके प्रोडक्शन हाउस बोले तो देवगन फिल्म्स ने इस गुजराती फिल्म वश को सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम झाड़ कर इसका यह शैतान नामक हिंदी वर्जन बना दिया, जिसमें आर माधवन अजय देवगन के घर 15 मिनट के लिए अपना सेलफोन चार्ज करने के बहाने घुस जाता है और फिर उसके घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता। और तो और अजय देवगन की बेटी को पूरे तरीके से अपने वश में भी कर लेता है, कभी उसको सूखी चाय पत्ती खाने को कहता है, कभी खुद को ही चांटे मरवाता है, तो कभी खुद अपने बाप अजय देवगन को ही थप्पड़ मरवाने का हुक्म सुनाता है। कहने का मतलब है कि अजय देवगन की बेटी इसके टोटल कंट्रोल में हो जाती है। अब चूंकि इस फिल्म शैतान का प्रोड्यूसर खुद अजय देवगन है तो इस फिल्म को बनाने के लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो सारा का सारा पैसा अजय देवगन ने अपने जेब से खर्च करा था और इस फिल्म को बनाने का जो टोटल कॉस्ट आया है वो टोटल अमाउंट है 11 करोड़ रुपयों का। अब मैं ऐसा तो कतई नहीं बोल रहा भाई साहब कि जो इस फिल्म का टॉपिक है ना वो पूरे तरीके से गलत है या फिर ये लोग जादू टोने के नाम पर भारतीय आम जनता को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि खुद मेरी नजरों में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के जादू टोने के चपेट में आ चुके हैं। एक दिन पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक घर के अंदर कोई एक बिना बुलाए मेहमान मुंह उठाकर चला आता है और घर के आंगन में किसी मुर्दे की राख को छिड़क देता है। उसके अगले ही दिन से उस परिवार के ऊपर मुसीबतों के बादल टूटने शुरू हो जाते हैं। एक एक करके सारे के सारे, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सभी की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। यानी हाँ, अजय देवगन जो अपनी फिल्म के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा सचमुच में होता है। अब वो सब तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी बात से है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद को भाई साहब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री बताती है। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग हर साल अवार्ड शोज भी करते हैं। अपनी 2% की कॉमेडी के नाम पर ये लोग यंग टैलेंट्स को, उभरते हुए एक्टर्स को बेइज्जत और बदनाम करते हैं। और तो और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को ये लोग अपनी फिल्मों के अंदर हर बार मौका देते हैं और बाकियों के साथ सौतेला बर्ताव करते हैं। फिल्में तो ये नमूने भाई साहब ढेरों की संख्या में बनाते हैं हर साल, पर उन सभी फिल्मों में अपना रत्ती भर का भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस इधर उधर से चोरियां चपाटियां करते हैं जिससे ये लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान को भी शर्मसार करने का काम करते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अभी तक हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना।